मेरे YouTube चैनल पे ह्यूज कंटेंट आ गया है। अब मुझे लगता है कि मेरा YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा और मैं YouTube पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपके भी YouTube चैनल पे ह्यूज कंटेंट आ गया है या आपका कंटेंट अभी बना रहे हो आप, मतलब वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो गया है, आप अप्लाई करने वाले हो, तो ये चीज़ एनालाइज करके देख लेना अपने YouTube चैनल के अंदर में कि क्या पता मेरे भी YouTube चैनल पे रियूज कंटेंट का पॉलिसी ना आ जाए और मेरा भी YouTube चैनल का मोनिटाइजेशन डिसेबल ना हो जाए। अगर आप मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हो या अप्लाई आप कर दिए हो, तो ये दोनों बात के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि अगर आपका YouTube चैनल पर रियूज कंटेंट का पॉलिसी आ गया है या आपका YouTube चैनल का 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, आप उसे अप्लाई करने वाले हो, तो दोनों चीज़ को हम सर्टिफाई करने वाले हैं कि अगर आपका YouTube चैनल पे यूज कंटेंट है तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके YouTube चैनल पे यूज कंटेंट ना भी है लेकिन मुझे एनालाइज करके देख लेना है, मुझे अपने अंदर सर्टिफाई हो जाना कि क्या पता मोनिटाइजेशन के लिए जब हम अप्लाई करें क्या पता मेरे भी YouTube चैनल पे यूज कंटेंट का ऑप्शन ना आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दोनों चीज़ के रखेंगे आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट का वीडियो है, इसे थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो चलिए आज वीडियो को हम सिंपली स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल पे रियूज कंटेंट आ गया है। अब ये देखिए, री अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि 12 तारीख को हम कर सकते हैं। पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए आप रियूज कंटेंट आ गया। अब ये आया है कितने दिन में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ और किस लिए आया है। तो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पे रियूज कंटेंट इसलिए आया है क्योंकि मैंने दूसरा का सारा चीज़ अपने वीडियो में अपलोड किया हूँ। मतलब कहने का मतलब है, मैंने दूसरा का कंटेंट, दूसरा का वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया था और वो वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो गया है। YouTube का कहना है कि YouTube पहले, सबसे पहले आप जब अप्लाई करते हैं YouTube पे मोनिटाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे आपका YouTube चैनल, आपका जो चैनल को वेरीफाई के लिए जो आप रखते हैं पेंडिंग में, वो वहाँ पे आपको YouTube चैनल के बस यही चेक करता है। मेन थीम, मेन वीडियो जो काफ़ी जिसमें वॉच टाइम आया हुआ है उसको चेक करता है। तो वो मेरा जो था, जिसमें काफ़ी सारा वायरल हुआ था वीडियो, जिससे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था, वो दूसरे का कंटेंट था, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पे रियूज कंटेंट आ गया। तो अगर आपके भी यूट्यूब चैनल पे रियूज कंटेंट आ गया तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको ये पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, YouTube जो है मेन थीम का चेक करता है, जिसमें आपका काफ़ी सारा वीडियो वायरल हुआ है, और दूसरा पॉइंट आपका जो मेटा डाटा होता है वो टैग और डिस्क्रिप्शन का चेक करता है, क्या ये दूसरा का कॉपी नहीं है, दूसरा का वीडियो नहीं अपने YouTube चैनल पे डाल दिया। अगर आपका भी चैनल पे दूसरे का कंटेंट है, स्योरली कंटेंट अगर अपने YouTube चैनल पे आप डाल दिए हो, तो आप डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपका भी चैनल रियूज कंटेंट में आ जाएगा, आपका मोनिटाइजेशन फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि खुद का कंटेंट बनाइए, जब आप मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ वहाँ पे फेस कैन भी वीडियो बनाइए, जो आपको यूट्यूब जान सके कि नहीं, इसका, इस चैनल का ऑनर यही बनता है। तो पहले आप जो है, आप खुद का कंटेंट अगर बनाते हो तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपका चैनल एक दिन के अंदर में, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम और किसी का कंटेंट नहीं डाला हुआ है, तो आपके एक दिन के चैनल, एक दिन में आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ दूसरी बात, दूसरी मुद्दा पे, जो बंदे दूसरे का वीडियो अपलोड कर करके और यूट्यूब चैनल का 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर दिए हैं, और वो चाहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल के लिए मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करूं और मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए और दूसरे का वीडियो से हम कुछ अर्निंग कर पाए यूट्यूब से, तो कभी भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो चुका है। और मैं जो अभी आपको वीडियो में बना रहा हूँ, खुद मेरा एक चैनल है सॉन्ग से रिलेटिव, जो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैंने एक दूसरे का कंटेंट का वीडियो डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल पर और वीडियो काफ़ी वायरल हो गया, वही वीडियो के लेके मेरे YouTube चैनल पे कॉपीराइट क्लेम और साथ में रियूज कंटेंट भी आ गया है। देखिए, बात सोचने का ये बात है कि मेरे YouTube चैनल पे क्लेम कब आया, जब वो वीडियो काफी वायरल हो गया है, और उसके बाद तभी तक मेरे YouTube चैनल पे क्लेम नहीं आया था। जब मैंने YouTube चैनल को, मतलब मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, तो YouTube कुछ दिन के बाद मुझे ईमेल किया कि ये आपका वीडियो है जो काफ़ी वायरल हुआ था, इसमें कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, इसलिए रियूज कंटेंट भी उसके साथ भी आ गया है। तो देखिए, ये सोचने वाली, अगर आप किसी का कंटेंट डाल देते हो अपने चैनल पे, कोई वीडियो अपलोड करते हो, उसके बाद अपलोड करके, डाउनलोड करके अपने पे डाल देते हो, और आपको वहाँ पे क्लेम नहीं आता है, तो ये मत सोचे कि क्लेम नहीं आया तो मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा।
जब आप मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो तभी आपका यूट्यूब चैनल चेक करेगा कि आखिर जिसमें आपका काफ़ी सारा वायरल होगा, वीडियो वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा, उस वीडियो को चेक करेगा कि ये इसमें खुद का वीडियो है या दूसरे का डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड। कहता हूँ कि दूसरे का वीडियो आप मत डालिए, अगर आपके चैनल पे दूसरे का वीडियो है तो आप प्लीज उसे डिलीट कर दीजिए, तभी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें, ना कि आपका चैनल फिर से वही व्यूज कंटेंट में आ जाएगा, फिर आप झूलते रहिएगा, कभी भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जब तक तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक आप उसे कुछ भी अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब का जो पॉलिसी है दोस्तों काफी स्ट्रांग है, क्योंकि आप दूसरे का कंटेंट कितने दिन तक चुरा सकते हैं। हाँ, अगर आप रोस्ट वीडियो में आप यूज करते हैं तो 30 सेकंड तक ओनली आप दूसरे का कंटेंट यूज कर सकते हैं, छोटा छोटा सा क्लिप, उससे कोई भी आपके चैनल पर यूज कंटेंट का पॉलिसी नहीं आएगा। अगर आप रोस्ट वीडियो जैसे कि बनाते हैं बहुत जो यूज करते हैं छोटा छोटा सा क्लिप, उसमें आपको कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वो फेस स्कैन वीडियो बनाता है, हर फेस स्कैन वीडियो बनाता है, उसे यूट्यूब जान जाता है कि नहीं ये अच्छा कंटेंट बना रहा है और ये रोस्ट वीडियो में यूज करना ही पॉसिबल, इसलिए छोटा सा क्लिप वहां पे लेना इजी है और आसान है, इसलिए यूट्यूब भी उसे क्लेम नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका सॉन्ग का चैनल है, जैसे कि मेरा ये सॉन्ग का चैनल था, मैंने दूसरे का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पे रियूज कंटेंट का पॉलिसी आ गया। अगर आपके चैनल पे रियूज कंटेंट का पॉलिसी आ गया तो पहले जितने भी आप दूसरे का कंटेंट डालें प्लीज उसे डिलीट कर दीजिए और खुद का कंटेंट डालिए, और हो सके जितना आप फेस स्कैन वीडियो डालिए। ये तो बात मैंने कही थी जो इसका मतलब रियूज कंटेंट पॉलिसी आ गया, और जिन मोनेटाइजेशन जो भाई मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाला है पहले वो भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे से डिलीट कर दीजिए और खुद का कंटेंट का वीडियो डालिए, जब तक आपका 4000 वॉच टाइम ना कंप्लीट हो जाए अपना वीडियो से तब तक अप्लाई मत कीजिए, नहीं तो आपका भी चैनल पे रियूज कंटेंट आ जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया कि आखिर यूज कंटेंट कैसे आता है, और अगर आपके चैनल पे आ भी गया तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इसी तरह से मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप किसी वीडियो को मिस नहीं कर सकते।